नमस्कार दोस्तों, जीके मास्टर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। रोज शाम को 8 बजे ये एपिसोड आता है, कभी मिस मत कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लाए जाते हैं। ये एपिसोड केवल श्री एजुकेशन चैनल पर आएगा, तो कभी मिस मत कीजिएगा। और आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा हर प्रश्न का जवाब देने के लिए। अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप डेली ये सीरीज़ देखते हैं तो जीके में आकर एक्सपर्ट हो ही जाएंगे। कभी भी कोई भी प्रश्न जो रिपीटेड नहीं आएगा, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, फतेहपुर सिकरी में, या औरंगाबाद में, या हैदराबाद में, या जौनपुर में। इन चारों ऑप्शन में से अगर आपको लगता है कोई जवाब अगर आपको मालूम है तो कमेंट कीजिए कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। इसके बारे में जानकारी भी आपको चाहिए कि ये मकबरा किसका है। तो इसका राइट आंसर क्या है, औरंगाबाद। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, याद रखिए, बीबी का मकबरा जो औरंगजेब की पत्नी थी, जिसे आप दिलरास बानो बेगम के नाम से जानते हैं, उन्हीं का मकबरा है ये। और ये मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। ठीक है, और एक और एक्स्ट्रा जानकारी कभी पूछी तो नहीं गई है, अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं कि डिजाइन जो इस मकबरे का डिजाइन है वो अताउल्ला के द्वारा किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसू गैस में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, अमोनिया है, या क्लोरीन है, या ऑप्शन ए है, या ऑप्शन ए और बी दोनों है। जल्दी बताइए, इसका बहुत प्रयोग किया जा रहा है आजकल, आप देख ही रहे हैं। तो आंसू गैस में किस गैस का प्रयोग किया जाता है ताकि भीड़ को भगाया जा सके, जो उपद्रवी हैं, जो दंगा फसाद कर रहे हैं, उनको भगाया जा सके, तो कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो याद रखिए, अमोनिया भी की जाती है, NH3, और क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन का प्रयोग किया जाता है, और एक्रोलीन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग किया जाता है वो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे आँखों में जलन होती है और खांसियाँ आती हैं, और इसी कारण से इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाने के लिए घरों में प्रयोग की जाने वाली गैस किसका मिश्रण है। जो हमारे घर में LPG गैस है वो किन किन गैसों का मिश्रण होती है, किन किन चीज़ों का मिश्रण है वो आपको बताना है। जल्दी बताइए, आपके पास 10 सेकंड का जवाब देना पड़ेगा। 10 सेकंड में जवाब दीजिए अगर आपको मालूम है। कमेंट कीजिए कि जो खाना बनाने वाली घरों में गैस प्रयुक्त होती है LPG, वो किन किन का मिश्रण है। तो याद रखिए, आपका ये एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इनका मिश्रण होता है। तो इस चारों विकल्पों में से कौन सा राइट आंसर आप बताएंगे, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, अगर आपने पढ़ा है, एक कुछ चैप्टर रह गए हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये आंसर, इसका जवाब मालूम होगा। तो कमेंट कीजिए जल्दी, 10 सेकंड का आपके पास समय है, कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो शक्ति किसके अंतर आती है। तो उस शक्ति को क्या बोला जाता है, उस क्षेत्राधिकार को क्या कहा जाता है। तो मूल क्षेत्राधिकार, या आरंभिक क्षेत्राधिकार, या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बोला जाता है। इसका जिक्र आर्टिकल 131 में किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख आर्टिकल 131 में है। इस आर्टिकल 131 में ये बताया गया है कि अगर केंद्र और किसी अन्य राज्य के बीच में कोई विवाद हो गया है, उस विवाद को सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी, या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो गया है तब भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है। तो ये आते हैं आर्टिकल 131 में, जो कि मूल क्षेत्राधिकार में है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे मामले हैं जिनका निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न होगा तो इसका भी निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी इसका सुनवाई कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो जाने का अधिकार है खुद ही एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 32 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। देखिए, तीन विषय हैं, आपको मालूम होना चाहिए। हमारी संविधान की अनुसूची 7 में तीन विषयों का उल्लेख किया गया है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची।
तो इसमें पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से समवर्ती सूची का विषय कौन सा है। 10 सेकंड का आपके पास समय है, जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, जल्दी बताइए। समवर्ती सूची अर्थात जिस पर केंद्र भी कानून बना सके और राज्य भी कानून बना सके। तो आपराधिक मामले, आपराधिक मामले में केंद्र भी कोई कानून बना सकती है और राज्यों को भी अधिकार है, वो कानून बना सकती है कि कोई ऐसा अपराध है उस अपराध की क्या सज़ा होनी चाहिए, उसके लिए कानून राज्य भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। जबकि जो पुलिस वाला मामला है ये राज्य सूची में आता है, राज्य ही केवल कानून बना सकती है, अर्थात राज्य का ही अधिकार होगा पुलिस पर। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में आपको मालूम होना चाहिए कि जो दिल्ली है तो दिल्ली की विधानसभा को अधिकार नहीं दिया गया है पुलिस के रिलेटेड कानून बनाने का। दिल्ली और पुदुचेरी दो जगह विधानसभा है जो कि अपना कानून बनाती है राज्य सूची में जो विषय वर्णित है, लेकिन पुलिस के मामले में और पब्लिक ऑर्डर के मामले में और भूमि के मामले में जो दिल्ली है वो कानून नहीं बनाती है। तो दिल्ली की पुलिस आप जानते हैं गृह मंत्रालय के अंदर आती है, अर्थात सेंटर के अंदर में आती है, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती है। जबकि संचार और विदेशी मामलों का जो विषय है ये संघ सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है। इन चारों विकल्पों में से जल्दी बताइए, सिंपल है कि कौन सी फसल चारों विकल्पों में से है जो हर साल मतलब पूरा साल बोई जाती है, ऐसा नहीं कि गेहूं चावल की तरह इस पर्टिकुलर सीजन में ही बोई जाती है, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, मक्का। मक्का हर साल मतलब पूरे साल कभी भी बो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे बढ़ने से पहले बता दो, टेलीग्राम पे हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। हमारा पर्सनल ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो @currentaffairsbyravi लिखकर सर्च कीजिए। चैनल को ज्वाइन करना है तो @shrieducation लिखकर सर्च कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिलने वाली नदी कौन सी है इन चारों विकल्पों में से। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे ही पूछा गया था, यमुना गंगा दोनों नाम दिया गया था, लेकिन चारों विकल्पों में से कौन सी नदी है जो यमुना में मिल जाती है, था यमुना की सहायक नदी। क्योंकि आप जानते हैं ऐसा विकल्प में इसलिए लिखा हुआ है, यमुना और गंगा दोनों इसलिए नाम लिखे हुए हैं क्योंकि यमुना खुद गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो एक तरीके से जो यमुना की सहायक नदी होगी उसे आप अगर गंगा की सहायक नदी कह देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा हुआ था, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो बताइए कि ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य भारत से निकलती है और यमुना में मिल जाती है इन चारों विकल्पों में से, घाघरा, गोमती, कोसी और बेतवा, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर क्या है, बेतवा नदी। बेतवा यमुना की सहायक नदी है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी आती है वहाँ से ये निकलती है और हमीरपुर शहर में जाकर ये यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, जल्दी बताइए। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 10 सेकंड में जवाब दीजिए। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका गठन कब हुआ था और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं और इसके सदस्य कौन होते हैं, जल्दी बताइए। इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा, आर्टिकल 263 इसका राइट आंसर है। याद कर लीजिए कि 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, सरकारी आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। अब इस अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इस परिषद के जो सदस्य होते हैं, इस परिषद के सदस्य में 6 केंद्र मंत्री शामिल होते हैं, उसके अलावा सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी बताइए, बहुत आसान है। तो आपको मालूम होगा, ट्रिक बताई गई है सभी राज्यों के बारे में जो किस किस नदी के किनारे हैं, और इस ट्रिक के अलावा मैप की सहायता से बताया गया है। तो देख लीजिए विकल्प में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सब मिल जाएगा। तो राइट आंसर कृष्णा नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, विजयवाड़ा कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताइए, ये आपको मालूम होना चाहिए, सत्यमेव जयते शब्द ये कहाँ से लिया गया है। प्राचीन भारत में आपने पढ़ा होगा, जल्दी बताइए, पढ़ा दिया गया है आपको। तो इसका राइट आंसर है मुंडकोपनिषद। ठीक है, इसका अर्थ होता है, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी। चार विकल्प बताइए, इनमें कौन सा राइट आंसर है कमेंट कीजिए। सिंधु घाटी के जो लोग थे,
इन चारों विकल्पों में से उनकी जो मूर्ति है वो कौन सी रचना थी, जल्दी बताइए, और कहाँ से निकली है वो मूर्ति, कहाँ से पाई गई है वो भी बताइए। तो इसका राइट आंसर है नृत्य करती हुई नर्तकी, ये मोहनजोदड़ो से पाई गई है मूर्ति, और मोहनजोदड़ो आप जानते हैं पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उनका उत्तराधिकारी था वो कौन था? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था, कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, जिनका जो शासन काल है 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक था, और यूनानियों ने इन्हें अमित्रकेटस कहकर बुलाया है और अमित्रघात भी इन्हें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? इन चार विकल्पों में से जो राइट आंसर है बताइए कि ऐसे 10 गुरुओं में से, सिखों के 10 गुरु जो थे उनमें से ऐसे कौन से गुरु थे जिन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर है गुरु रामदास जी ने, ये सिखों के चौथे गुरु थे। इन्होंने 1577 ईस्वी में रामदासपुर नामक एक नगर बसाया था जो बाद में चलकर अमृतसर शहर जाना गया, और यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी आप जानते हैं, स्वर्ण मंदिर है यहाँ पे। और गुरु रामदेव जी का विवाह गुरु अमरदास जी की पुत्री बीबी भानी जी के साथ हुआ था, और गुरु अमरदास जी इस सिखों के तीसरे गुरु थे, जबकि विकल्प में गुरु अर्जुन देव जी भी लिखा है, ये सिखों के 5वें गुरु थे, जबकि गुरु हरगोविंद जी ये सिखों के 6वें गुरु थे, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताइए, जो अकाल तख्त है वो किसके द्वारा बनाया गया था, कमेंट कीजिए। मध्यकालीन इतिहास में पढ़ाया गया है, तो राइट आंसर है गुरु हरगोविंद, ठीक है, गुरु हरगोविंद जी के द्वारा बनाया गया था, जो सिखों के 6वें गुरु थे। अकाल तख्त को 1609 ईस्वी में बनाया गया था। इस तख्त को न्याय संबंधी और संसारिक मामलों पर विचार करने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? शुरुआत में आधुनिक भारत के इतिहास में बताया था आपको, गवर्नर जनरल के बारे में जब पढ़ा रहे थे, किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी और उसे ही स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, वो कौन था, जल्दी बताइए, 10 सेकंड आपको दिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ाया भी गया है, तो राइट आंसर है लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन का जो टाइम पीरियड था 1880 से 1884 तक, ये भारत का वायसराय था, ठीक है, भारत का वायसराय था, उस समय वायसराय का पद आ गया था, तो ये वायसराय था, याद रखिए, गवर्नर जनरल नहीं था, वायसराय था, क्योंकि 1858 के बाद अब जो भी नियुक्तियाँ हो रही थी वो वायसराय के नाम से नियुक्तियाँ हो रही थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में हुई थी। इसने छोटे स्तर पर बोर्डों की स्थापना की थी, मंडल की स्थापना की थी, जैसे ग्रामीण स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर, तो इसके द्वारा लोगों को, स्थानीय लोगों को अधिकार देने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया था। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल आपको 8 बजे मिलेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, लेकिन स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे होंगे, देख लीजिएगा। नमस्कार।